एक लाख का सुपारी किलर पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। बदमाश के कब्जे से AK-47 सहित एक बोलेरो बरामद। मारे गए बदमाश के ऊपर विभिन्न जनपदों में 24 मुकदमे हुए थे दर्ज। 5 मार्च को एक अपराधी सुमित कुमार उर्फ मुनू चवन्नी के द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की घटना कारित की गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा इन अपराधियों के लिए दबिश दी जा रही थी। और फिलहाल जो सुमित कुमार पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इस पर करीबन 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई मुकदमे हत्याओं के और इसके द्वारा जो घटनाएं कारित की गई हैं जिस पर मुकदमे पंजीकृत हैं वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर, इसी तरह से बिहार में कई मुकदमे इस पर पंजीकृत थे। आज सुबह सुमित उर्फ मोनू चवन्नी की तलाश के लिए STF की टीम और साथ में जौनपुर पुलिस की टीम दोनों जॉइंटली उसके लिए लगे हुए थे, तो जैसे ही उसको रोकने का अरेस्ट करने का प्रयास किया है तो वहां पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिस एक्सचेंज ऑफ फायर में मोनू चवन्नी के गोली लगी है और जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और मोनू चवन्नी इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उसके पास से एक AK-47 बरामद हुई है, एक 9mm पिस्टल बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है और जो भी उसके साथी मौके से फरार हैं उनकी भी तलाश टीम के द्वारा की जा रही है।